नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, सरसों की बुआई करने वाले किसान भाई अपने लिए एक अच्छे बीज के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। हमारे किसान भाई अपने लिए ऐसे सरसों के बीज का चुनाव करना चाहते हैं जिससे उन्हें कम से कम लागत और कम से कम रोगों की संभावनाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इसी विषय में हम अपने किसान भाइयों की मदद करने के लिए एक ऐसे बीज के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसका उत्पादन बड़ा शानदार है, जिसमें रोगों के प्रति सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही किसान भाइयों, इसमें तेल रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि किसान भाइयों, यह बीज पिछले 2-3 सालों से बाज़ार में है, लेकिन लगभग ट्रायल बेस पर चल रहा था। पिछले साल जिन किसान भाइयों ने इस बीज की बुआई अपने खेत में की थी, उन्हें काफ़ी अच्छा उत्पादन इस बीज से मिला है, इसीलिए इस बीज की इस बार काफ़ी डिमांड है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं स्टार एग्री सीड्स के स्टार 10-15 वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, यह बड़ी ही शानदार वैरायटी है जो पायोनियर को भी टक्कर देने में सक्षम है। किसान भाइयों, अगर इसकी बुआई की बात करें तो इसकी बुआई हम अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। इसकी फसल किसान भाइयों 120 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की औसतन ऊंचाई की बात करें तो इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई लगभग 140 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस वैरायटी के पौधे का तना मोटा व मजबूत होता है, जिस वजह से विपरीत परिस्थितियों में इस वैरायटी के गिरने की संभावना भी कम होती है। इस वैरायटी में किसान भाइयों, शाखाओं का फुटाव काफ़ी अच्छा होता है। शाखाओं का फुटाव नीचे से ही बड़ा अच्छा होकर चलता है। इस वैरायटी के पौधे में किसान भाइयों, फलियां ज़्यादा मात्रा में होती हैं, लंबी होती हैं। वह किसान भाइयों, फलियों का छिलका सख्त होता है, जिस वजह से हमारे खेत में सरसों अपने आप नहीं झड़ पाती। किसान भाइयों, फलियों में दानों का भराव अच्छा व ज़्यादा होता है। इसका दाना किसान भाइयों कठोर, काला, चमकदार व वजनदार होता है। वजनदार दाने और ज़्यादा दाना होने की वजह से किसान भाइयों, प्रति एकड़ तक हम इससे 12 से लेकर 15 कुंतल तक का उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी की तेल प्रतिशतता भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वैरायटी से हमें 42% से लेकर 43% तक तेल की रिकवरी हो जाती है। यह वैरायटी किसान भाइयों पाले के प्रति सहनशील है, पाले से इस वैरायटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही किसान भाइयों, कुछ रोग जैसे सफ़ेद रतुआ, जिसको वाइट रस्ट भी बोला जाता है, या डाउनी मिल्ड्यू, इन रोगों के प्रति भी यह प्रजाति सहनशील होती है, यानी कि इस प्रजाति में इस तरह के रोग आने की संभावना काफ़ी कम होती है। अगर किसान भाइयों सिंचाई की बात करें, वैसे तो किसान भाइयों इस वैरायटी को पकने के लिए 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान भाइयों अगर आप 2 सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो किसान भाइयों आप केवल 1 सिंचाई करके भी ठीक ठाक उत्पादन इस वैरायटी से ले सकते हैं। यह सिंचाई किसान भाइयों आपको बुआई के 30 से 35 दिन के आसपास करनी होगी। हालांकि 2 सिंचाई की तुलना में 1 सिंचाई करने पर उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा। किसान भाइयों, यह सब तो थी स्टार एग्री सीड्स के स्टार 10-15 की खूबियाँ। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस वैरायटी के बीज की कीमत के बारे में। किसान भाइयों, अगर बाज़ार में देखा जाए तो इस वैरायटी का बीज हमको 700 रुपये किलो से लेकर 800 रुपये किलो के बीच मिल रहा है। अगर किसान भाइयों यह आपको अपने मार्केट में नहीं मिल पाता तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन लगभग यह 750 से लेकर 780 रुपये प्रति किलो के दाम में मिल रहा है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।